चलिए रणदीप से बात करते हैं, कठुआ से जुड़े हैं हमारे साथ, रानी देवी हैं हमारे साथ जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है, नमस्कार रानी देवी जी। आप तक आवाज पहुंच रही है? जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? हाँ। सेहत और जिंदगी हम प्रोग्राम से बात कर रहे हैं, आपने कॉल किया है हमें, बताइए बताइए है प्रॉब्लम वो बच्चे के बारे में। बच्चे के बारे में जी, उम्र बताइए आप अपने बच्चे की। उम्र होगी कोई 40 साल। और क्या समस्या है? बच्चा है या तो बच्चा नहीं पैदा हुआ जी, बच्चे नहीं ना होने की प्रॉब्लम है। अच्छा, किसी में डॉक्टर ने कमी बताई है, शौहर में या बीवी में जी। कोई, किसको समस्या है, मेल को या फीमेल इनको, को? इनको भी है तो समस्या, मेल को भी है। अच्छा, दोनों को शुगर भी है ना, शुगर भी है ना, दोनों को शुगर है या किसी एक को शुगर? हाँ, हाँ, दोनों हुई है। अच्छा, दोनों को शुगर है और निसंतान दंपत्ति हैं। अच्छा देखिए, अगर आपको मेंसेस ठीक होते हैं, अगर महीना ठीक आता है तो इसके बाद आपका इलाज हो सकता है। क्या आपको महीना ठीक आता है? थोड़ा काम आता है, नहीं ठीक आता है। ठीक है। अच्छा देखिए, मैं एक बहुत मामूली सा नुस्खा आपको बताता हूँ, और वो ये है कि अश्वगंधा, अश्वगंध भी कहते हैं, अश्वगंधा भी कहते हैं हिंदी में, हम लोग कहते हैं अश्वगंध नागौरी, यानी नागौर में पैदा होने वाला अश्वगंध, अश्वगंध नागौरी लीजिए, तकरीबन 100 ग्राम खरीद लीजिए। ये ऐसे पतली पतली डंडियाँ सी होती हैं और ये असली मिलता है, नकली नहीं मिलता। अच्छा, पाउडर मत खरीदना, ये सफ़ूफ मत खरीदना, साबुत खरीदना, लंबी लंबी डंडियाँ होती हैं, इनको आप अपने ग्राइंडर में बारीक पाउडर बना लें और फिर छान लें, और एक चुटकी, देखिए ये चुटकी है, एक चुटकी इसमें जितना भी आता है, एक चुटकी आप खाएं और एक चुटकी आपके शौहर खाएं, आपके पति खाएं, रात को सोते वक्त। पानी से भी ले सकते हैं, जूस से भी ले सकते हैं, दूध से भी ले सकते हैं, एक कप दूध के साथ आप रोज़ाना सेवन करें, इसका रोज़ाना इस्तेमाल करें। और मैंने ये नुस्खा जिन लोगों को भी बताया, उनमें ज़्यादातर लोग उसी माह उसी महीने साहिब उम्मीद हो गए, उनको बच्चे की उम्मीद हो गई, और वो काफ़ी लोग तो एक से ज़्यादा बच्चों के माँ बाप बन चुके हैं। ऐसे बहुत मरीज़ हैं जिनको ऊपर वाले ने इसमें फ़ायदा दिया। आप समझ लीजिए कि एक चुटकी खाना है उसमें से रोज़ाना, एक बार आपको भी और आपके पति को भी। मुझे उम्मीद है कि आपको ऊपर वाला फ़ायदा देगा।